सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पुष्कर और यहाँ पे मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M15 5G 4GB रैम और 128GB वाला ये वेरिएंट है सेलेस्टियल ब्लू कलर में। इसका एक और स्टोरेज वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ भी मिल जाएगा। साथ ही इसका दो और कलर आता है, स्टोन ग्रे एंड ब्लू टॉपाज। एंड इसका जो 4GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज वेरिएंट है वो आप फिलहाल 13299 में परचेज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ का कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड 12299 में फिलहाल जो है ना, आपको फ़ोन के साथ अलग से जो है ना ये 25W का जो सैमसंग का PD अडाप्टर आता है ये भी मिल जाएगा। ये हो सकता है कि आपके फ़ोन के साथ अलग से डिलीवर हो, या फिर जिस दिन आपको फ़ोन डिलीवर होता है उसके एक या दो दिन के बाद आपको डिलीवर हो जाए। मेरे कंडीशन में फोन जिस दिन डिलीवर हुआ उसके एक दिन के बाद ये सैमसंग का जो अडैप्टर है वो हमको डिलीवर हुआ। एंड जो 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट है उसका फिलहाल प्राइस 14799 है, और उस पर भी आपको 1000 रुपीज़ का HDFC कार्ड का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड उसके साथ भी आपको जो है ना सैमसंग का ये 25W का अडैप्टर मिल जाएगा। अगर आपको ये 25W वाला अडैप्टर चाहिए अपने सैमसंग M15 5G के साथ, तो डायरेक्टली जो है ना आप अपने फोन को ऐड टू कार्ट कीजिएगा। एंड इस फोन का जो बेस्ट बाय लिंक है वो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग सैमसंग गैलेक्सी 5G का जो फर्स्ट सेटअप प्रोसेस है वो डिटेल में देखेंगे, किस तरीके से आप इसको प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। एंड हम अपना इनिशियल इंप्रेशन शेयर करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, सेटअप करने के बाद आउट ऑफ द बॉक्स UI का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कितना ब्लोटवेयर, कितना जंक ऐप मिलता है, कितना अवेलेबल स्टोरेज स्पेस मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ बेंचमार्क, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट, इस फोन के साथ आपको बॉक्स में एक Type-C केबल, एक सिम इजेक्टर पिन, कुछ फालतू का डॉक्यूमेंट जो हम बॉक्स में ही रहने दिए हैं। ऑब्वियसली एक फोन तो आपको मिलेगा ही, फिलहाल आपको फोन के साथ जो है ना एक 25W का सैमसंग का अडैप्टर मिल रहा है, बट कब तक मिलेगा ये नहीं बोल सकते। अगर ये अडैप्टर फोन के बॉक्स में मिलता तो डेफिनेटली काफी अच्छा होता। नेक्स्ट, फिजिकल ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि बैक पे जो है ना काफी अच्छा पैटर्न मिल जाता है। आप कोई भी कलर लेंगे आपको सेम टाइप का ही पैटर्न मिलेगा, बट जो बैक है वो प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। जो फ्रेम है वो भी आपको प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में ही मिलता है। फ्रंट में किस ग्लास का प्रोटेक्शन है ऐसा कहीं पे भी मेंशन हमको मिला नहीं। बॉक्स में आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं मिलता है, एंड बैक को स्क्रैच से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना कोई बैक कवर भी नहीं मिलता है। फिलहाल हम Amazon से जो है ना इस फोन के लिए एक बैक कवर एंड एक टेम्पर्ड ग्लास ऑर्डर किए हैं, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसका वीडियो भी आपको जल्दी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। एंड इस फोन से रिलेटेड भी काफी सारा वीडियोस आपको चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे फोन के राइट साइड में जो है ना आपको काफी टैक्टाइल पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन मिल जाता है। पावर बटन में इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जिसका स्पीड हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। टॉप पे आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक मिलता है। बॉटम साइड में 3.5mm जैक, प्राइमरी माइक, USB 2.0 बेस, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर। एंड इसमें आपको एक हाइब्रिड सिम ट्रे मिलता है, मतलब कि आप दो सिम कार्ड या एक सिम कार्ड और SD कार्ड यूज कर सकते हैं। लास्ट जनरेशन के M14 5G में 3 कार्ड स्लॉट था। एंड फिंगरप्रिंट स्मजेस आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे एज वेल एज ग्लॉसी बैक पे जो है ना काफी ज्यादा आता है एंड काफी गंदा दिखता है। एंड तीनों ही कलर के साथ जो है ना आपको सेम ही एक्सपीरियंस मिलेगा। सो फटाफट से यहाँ पे सिम कार्ड जो है वो इंसर्ट कर देते हैं एंड फोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं एंड क्विकली इसको जो है ना सेटअप कर लेते हैं। एंड इस फोन में जो है ना आपको एक 6.5 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 800 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड इस फर्स्ट स्क्रीन पे ही जो है ना आपको डिस्प्ले बेजल एंड चिन का आइडिया लग जाए कितना थिक है। एंड सैमसंग को शर्म आना चाहिए कि आज भी 2024 में ये लोग ड्यू ड्रॉप शेप नॉच वाले डिस्प्ले के साथ ही फोन लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे आज के डेट में जो है ना 7-8 हज़ार रुपए के एंट्री सेगमेंट स्मार्टफोन्स में भी जो है ना आपको पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे वेलकम स्क्रीन पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट के ऊपर टैप कीजिएगा। एंड क्योंकि एक 5G फोन है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5G नेटवर्क जो है वो शो करने लगा है। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट जो है इसको टिक कर लेना है, प्राइवेसी पॉलिसी को टिक करना है। जो सेंड ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा का ऑप्शन है ये ऑप्शनल है और आपको इसको टिक नहीं करना है। एग्री टू ऑल वाले ऑप्शन को भी टिक नहीं करना है, एग्री के ऊपर टैप करना है। फिलहाल हम यहाँ पे इसको एज अ न्यू डिवाइस सेटअप करेंगे, तो यहाँ पे हम सेटअप मैनुअली वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई से अपने फोन को कनेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप पे टैप करके अपने मोबाइल डेटा के थ्रू भी सेटअप कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ पे फोन रेडी हो रहा है तब तक हम आपको बता दें कि फ्रंट में आपको 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, रियर साइड में 50MP का प्राइमरी वाइड एंगल कैमरा है F1.8 अपर्चर के साथ। इसके बाद 5MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है F2.2 अपर्चर के साथ एंड 2MP का मैक्रो कैमरा है F2.4 अपर्चर के साथ। उसके बाद आपको कॉपी एप्स एंड डेटा का पेज देखने के लिए मिल जाता है, तो
अगर आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन पे कम्प्लीटली एप्स एंड डेटा, गूगल अकाउंट, फोटो, कॉन्टैक्ट सब कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस पेज का यूज़ करके कर सकते हैं, और किस तरीके से करना है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हम इसको एज अ न्यू डिवाइस सेटअप करने वाले हैं तो यहाँ पे हम डोंट कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कॉपी एप्स एंड डेटा वाले पेज का यूज़ करके कम्प्लीट एप्स एंड डेटा अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से नए एंड्रॉयड फ़ोन पे ट्रांसफर करते हैं तो आपका गूगल अकाउंट जो आप अपने पुराने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको जो है अपने गूगल अकाउंट से साइन इन नहीं करना पड़ेगा, बट एज अ न्यू डिवाइस अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इस डिवाइस को खुद यूज़ करने वाले हैं या आपके फैमिली मेंबर में कोई यूज़ करेगा या आपका बच्चा अगर कोई यूज़ करेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आई एग्री पे टैप करना है, फिर गूगल सर्विसेज का पेज देखने के लिए मिलेगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। देन आपको सर्च इंजन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ से हम गूगल सर्च इंजन जो है वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप करते हैं। उसके बाद आप अपना फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, पिन पैटर्न, पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू पे टैप करते हैं, नेक्स्ट पे टैप करते हैं। उसके बाद आपको एक अपना पिन जो है वो सेट कर लेना है। एंड सैमसंग के फोन में अब अगर आप 4 डिजिट का पिन सेट करते हैं ना तो आपको कंफर्म विदाउट टैपिंग ओके वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, उसके लिए आपको 6 डिजिट का पिन जो है वो सेट करना पड़ेगा, तभी आप बिना ओके पे टैप किए जो है ना सिर्फ पिन एंटर करके अपने फोन को अनलॉक कर पाएंगे। एंड उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है, कंटिन्यू पे टैप कर देना है, यूज एनी वे पे टैप करना है एंड वापस से जो है ना आपको पिन एंटर कर देना है, ओके के ऊपर टैप करना है। एंड जैसा कि मैं आपको बताया था कि पावर बटन में ही इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड जो भी आपका बायोमेट्रिक्स है ना वो सिक्योर्ड बाई नॉक्स रहेगा, तो यहाँ पे हम फटाफट से जो है ना अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपको गूगल असिस्टेंट का पेज देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे मोर पे टैप करना है, फिर आई एग्री पे टैप करना है, अगेन यहाँ पे मोर पे टैप करना है, आई एग्री पे टैप करना है। लॉक स्क्रीन से अगर आप गूगल असिस्टेंट को यूज करना चाहते हैं तो अगेन आपको यहाँ पे आई एग्री सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास सैमसंग अकाउंट है तो उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं या फिर आप गूगल अकाउंट के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। सैमसंग अकाउंट में लॉग इन करने के बाद अगेन यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एंड स्पेशल टर्म्स वाले चेकबॉक्स को टिक करना है, बाकी सारा जो भी ऑप्शन है ना वो आप देखेंगे ऑप्शनल है तो आपको इनको टिक नहीं करना है, अग्री के ऊपर टैप करना है। फिर अगर आप सैमसंग का ट्विटर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो तो इसको टिक रहने दीजिएगा, हम इसको अनटिक कर देते हैं, नेक्स्ट पे टैप करते हैं, फिर फिनिश पे टैप करते हैं। फिर सैमसंग सर्विसेज का एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको सिंपली एग्री नहीं करना है, यहाँ पे जो बोल्ड में टेक्स्ट लिखा है ना यहाँ पे जस्ट आपको इस तरीके से टैप करना है एंड यहाँ पे जो भी ऑप्शंस मिलता है ना इन सभी को आपको अनटिक करना है, उसके बाद अप्लाई करना है एंड इसको स्किप करना है। इसके बाद यहाँ पे सैमसंग डिस्कवर या सैमसंग का रेकमेंडेड सर्विसेज का पेज देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पे आपको अगेन लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट पे टैप करना होगा एंड आपको इसको एक बार तो सेटअप करना ही पड़ेगा या फिर स्किप करना ही पड़ेगा प्रॉपरली, अदरवाइज ये बार बार जो है ना पॉप करेगा ये सैमसंग का डिस्कवर सर्विसेज। अगर आप यहाँ पे लेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं ना तो फिलहाल के लिए तो ये पूरा प्रोसेस स्किप हो जाएगा, बट जब भी आप अपने फोन को रीस्टार्ट करेंगे या जब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा ना तो बार बार ये आपको सैमसंग डिस्कवर वाला जो ऑप्शन है परेशान करेगा। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपका कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपका जेंडर हो गया, आपका एज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्टिमाइजिंग ऐप रेकमेंड, मतलब कि कुछ ऐप रेकमेंडेड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपली जो है ना आपको इंस्टॉल पे टैप नहीं करना है, जो भी एप्स यहाँ पे टिक किया हुआ है इनको पहले अनटिक कर देना है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये एप्स जो है ना आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे फिनिश के ऊपर टैप कर देते हैं। तो इस तरीके से जो सैमसंग का डिस्कवर वाला एड सर्विसेज है ना इसको आप पूरी तरह से सेटअप कर लीजिएगा, फिनिश के ऊपर टैप कर दीजिएगा, फिर से फिनिश के ऊपर टैप कर दीजिएगा एंड उसके बाद जो है ना फाइनली यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M15 5G जो है वो सेटअप हो गया। एंड सैमसंग के बजट फोन इवन मिड रेंज सेगमेंट के फोन्स में भी जो है ना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सेटअप के समय बहुत सारा फालतू का रेकमेंडेशन या सैमसंग एक्सपीरियंस सर्विसेज वाला आपको पेज देखने के लिए मिलता है एंड उन पेजेस को जिस तरीके से हम वीडियो में दिखाए हैं उस तरीके से आप प्रॉपरली सेटअप नहीं करते हैं ना तो फिर आपको सैमसंग के फोन में जो है ना एड फ्री या रेकमेंडेशन फ्री वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं कि ऐप ड्रॉअर में काफी सारा प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर्स है, काफी सारा प्री इंस्टॉल्ड जंक ऐप्स मिलता है, टैप करके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। बट यहाँ पे क्विकली हम लोग चलते हैं सेटिंग में, सेटिंग में जाते हैं अबाउट फोन में एंड अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स वन यूआई वर्जन 6.1 पे रन कर रहा है जो कि एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। एंड यहीं पे अगर हम इसके अपडेट पॉलिसी का बात करें तो सैमसंग इसके साथ जो है ना 4 एंड्रॉइड अपडेट्स मतलब कि एंड्रॉइड 15, 16, 17 और 18 का अपडेट आपको इस फोन में मिलेगा। इसके अलावा 5 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रॉमिस करती है। जो नॉक्स सिक्योरिटी का वर्जन है वो 3.10 है एंड जो सिक्योरिटी पैच आउट ऑफ द बॉक्स है वो 1st ऑफ फरवरी 2024 का है। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं एंड स्टोरेज चेक
करते हैं तो यहाँ पे सेटिंग में डिवाइस केयर सेटिंग में स्टोरेज सेटिंग में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आउट ऑफ 128 GB यहाँ पे आपको 105.7 GB अवेलेबल स्टोरेज स्पेस मिलता है। रिसेंटली हम लावा O2 स्मार्टफोन का सेटअप एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो आपके साथ शेयर किए थे, जिस वीडियो में आप देखे होंगे कि इस फोन में जो है ना क्लीन UI मिलता है, क्लीन OS मिलता है, जिसके कारण आउट ऑफ 128 GB इसमें 117 GB अवेलेबल स्टोरेज स्पेस मिलता है। वहीं पे सैमसंग के इस बजट फोन में आप देख सकते हैं कि लगभग 12 GB जो है ना अवेलेबल स्टोरेज स्पेस कम मिलता है, क्योंकि काफी सारा ब्लोटवेयर एप्स जो है प्री इंस्टॉल मिलता है, अगर आप उसको अनइंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि अवेलेबल स्टोरेज स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे अगर हम स्टोरेज के ऊपर टैप करते हैं एंड शो मोर के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम फाइल्स है ना वो 14.74 GB ऑक्यूपाई किया हुआ है एंड इसमें आपको UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज मिलता है, जिसका रीड राइट स्पीड टेस्ट हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम मेमोरी में जाते हैं तो मेरे पास ये 4 GB रैम वाला वेरियंट है एंड आप रैम प्लस के थ्रू जो है ना वर्चुअल रैम 4 GB का इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में अगर हम एडवांस फीचर में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टी विंडो का स्प्लिट स्क्रीन पॉपअप व्यू जैसा फीचर जो है वो आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा काफी सारा आपको मोशन एंड जेस्चर रिलेटेड फीचर मिल जाता है, पाम स्वाइप टू स्क्रीनशॉट कैप्चर का फीचर मिल जाता है, 100 मोड जैसा फीचर मिल जाता है। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप के लिए आप डुअल ऐप्स का फीचर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोशन स्मूथनेस में आपको हाई 90 Hz एंड स्टैंडर्ड 60 Hz का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट यहां से बैक जाते हैं सेटिंग में बैटरी सेटिंग में। अब क्योंकि ये 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो बैटरी सेटिंग में जो है ना आपको फास्ट चार्जिंग को इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ओवरनाइट चार्ज करते हैं तो आप फास्ट चार्जिंग को डिसेबल करके ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे अगर हम कनेक्शन सेटिंग में मोबाइल नेटवर्क में जाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं LTE प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है एंड यहां से अगर हम नेटवर्क मोड को 5G पे सेट कर देते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 5G पे स्विच कर जाएगा एंड इस फोन में जो है ना आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, साथ ही आपको VoNR मतलब कि वॉइस ओवर 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो कैमरा का जो स्पेसिफिकेशन था वो तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं एंड अगर हम यहाँ पे कैमरा ऐप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फोटो मोड में यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा पे स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा जो है ना आप मैक्सिमम 10x तक डिजिटल जूम कर सकते हैं एंड यहाँ से आप 50 MP या 12 MP मोड में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है एंड यहाँ से जो है ना आप इसका जो बैकग्राउंड ब्लर का इफेक्ट है या जो उसका स्ट्रेंथ है वो चेंज कर सकते हैं। फिर आपको स्नैपचैट फिल्टर के साथ एक फन मोड मिल जाता है तो स्नैपचैट के फिल्टर्स को यूज करके आप फन मोड में फोटोज जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मोड में आप रियर प्राइमरी कैमरा से मैक्सिमम फुल HD 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इवन अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी जो है ना आप फुल HD 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान जो है ना आप लेंसेज के बीच में स्विच करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है एंड फ्रंट कैमरा से भी आप मैक्सिमम फुल HD 30 FPS पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मोर सेक्शन में प्रो मोड, पैनोरमा मोड, फूड मोड, नाइट मोड, मैक्रो फोटोज कैप्चर करने के लिए एक मोड मिल जाता है, स्लो मोशन मोड है और एक हाइपर लैप्स मोड मिलता है। अब इसमें आपको OIS तो देखने के लिए नहीं मिलता है बट अगर आप यहाँ पे कैमरा सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू EIS का फीचर जो है वो आप इनेबल कर सकते हैं एंड कुछ हद तक स्टेबल वीडियोस जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इस फोन का जो रिव्यू वीडियो होगा उसमें हम आपके साथ डिटेल में कैमरा सैंपल्स एंड वीडियो सैंपल्स जो है वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट इस फोन में जो है ना आप YouTube पे मैक्सिमम 1440p रेजोल्यूशन में वीडियो जो है वो स्मूथली प्ले कर सकते हैं। Netflix में प्लेबैक स्पेसिफिकेशन में वाइड बैन L1 शो कर रहा है एंड मैक्सिमम प्लेबैक रेजोल्यूशन जो है वो फुल HD शो कर रहा है एंड प्राइम वीडियो में भी हम कंटेंट स्ट्रीम किए तो यहां पे भी HD 1080p का सपोर्ट मिल जाता है। अब यहां पे इन दोनों ही फोन्स में हम कुछ बेंचमार्क रन किए थे, एक है Samsung Galaxy M14 5G और एक है इसका सक्सेसर Samsung Galaxy M15 5G। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Geekbench 6 CPU benchmark score देख सकते हैं एंड ये सेम टेस्ट जो है ना हम अपने Samsung M14 5G में रन किए थे तो यहाँ पे जो स्कोर है सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर स्कोर वो बेटर निकल के आया है। Samsung M14 5G में Exynos 1330 चिपसेट मिलता है जबकि M15 5G में MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट मिलता है। दोनों ही फोन्स में जो है ना UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज है तो हम स्टोरेज का स्पीड टेस्ट रन किए एंड यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे स्टोरेज का स्पीड टेस्ट तो जो राइट स्पीड है ना वो दोनों में ही ऑलमोस्ट 300 Mbps के आसपास है एंड जो रीड स्पीड है वो दोनों ही फोन में ऑलमोस्ट सिमिलर है 459 Mbps। उसके बाद इन दोनों ही फोन्स में जो है ना N2 बेंचमार्क रन किए एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Samsung Galaxy M14 5G का जो स्कोर है वो Samsung Galaxy M15 5G के स्कोर से ज्यादा है। बाकी Samsung M15 5G डे टू डे यूसेज में कैसा परफॉर्म करता है वो इसके रिव्यू वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। बाकी इसके डे टू डे परफॉर्मेंस को समझने के लिए या फिर इसके ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के स्मूथनेस को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसेंटली जो भी एप्स था सारा हम क्लोज कर दिए हैं
एंड वन बाय वन जो है ना जो भी ऐप्स है इनको हम ओपन करेंगे एंड ये पार्ट जो है ना हम बिल्कुल अनकट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का एनिमेशन, ऐप को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ पाए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप लोड होने में जो है ना थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का एनिमेशन तो यहाँ पे हमको स्मूथ ही फील हो पा रहा है। अब रिसेंटली जो हम ऐप ओपन किए थे इन्हीं को एक बार ओपन करके देखते हैं कि जो ऐप्स मेमोरी में रहता है वो कितना क्विकली ओपन क्लोज होता है, एनिमेशन जो है वो कितना स्मूथ फील होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट अनलॉक का जो स्पीड है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली जो मेरा सैमसंग M15 5G है वो फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक हो जा रहा है, बट इंस्टेंटली लॉक करके अगर हम टच करेंगे तो मेरा फोन अनलॉक नहीं होगा। लॉक करने के बाद आपको एक सेकंड वेट करना है, उसके बाद टच करने पे अनलॉक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इसके फेस अनलॉक के स्पीड को चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोन जो है वो फेस के थ्रू अनलॉक तो हो जाएगा, बहुत क्विक नहीं है, एक सेकंड का डिले आपको देखने के लिए मिलता है, बट प्रॉपरली यहाँ पे फेस अनलॉक वर्क करता है। बाकी इस फोन में जो है ना 6000 mAh का बैटरी मिलता है जो कि 25W के चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड इसका एक डेडिकेटेड बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट वीडियो हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सैमसंग के बजट फोन्स में जो है ना सीरियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और सैमसंग इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। सैमसंग के इस बजट फोन में जो है ना आपको मल्टी कंट्रोल जैसा फीचर मिलता है। अब ये मल्टी कंट्रोल का फीचर क्या है ये हम आपको जो है ना डेडिकेटेड एक वीडियो में दिखाने का कोशिश करेंगे, बट आपको बता दें कि ये सैमसंग के इकोसिस्टम का फीचर है। अगर आपके पास सैमसंग का प्रीमियम टैबलेट है, सैमसंग का लैपटॉप है, तो फिर आप मल्टी कंट्रोल का फीचर जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है ना आप एक ही कीबोर्ड माउस को आप अपने अलग अलग डिवाइसेस के साथ यूज कर पाएंगे। तो ये फीचर जो है ना आपको सैमसंग के इस बजट फोन में दिया गया है, ये डेफिनेटली एक अच्छा बात है। तो सैमसंग का जो भी टीम है उसको ये लगता है कि जो सैमसंग का बजट फोन लेगा उसके पास सैमसंग का प्रीमियम टैबलेट होगा, सैमसंग का प्रीमियम लैपटॉप होगा और वो मल्टी कंट्रोल वाला फीचर जो है वो यूज करेगा। बट इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कि एकदम बेसिक फीचर है जो कि ऑलमोस्ट हर एक एंड्रॉइड फोन में मिल जाता है वो इस फोन में नहीं मिलता है आपको। जैसे स्क्रीनशॉट लेना एक बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ना, हमको लगता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी एक बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि ऑलमोस्ट हर एक एंड्रॉइड फोन में होना चाहिए। रिसेंटली हम 8000 rupees का ये लावा O2 स्मार्टफोन यूज किए एंड इसमें भी बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है और ये एक बजट फोन है। बजट फोन्स जनरली जो है ना स्टूडेंट्स जो अपना पहला फोन परचेज करने जा रहे हैं जिनका बजट कम है वो बजट फोन्स को कंसिडर करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है और वो फीचर भी इस फोन में मिसिंग है। इसके अलावा सैमसंग के बजट फोन को सेटअप करने के बाद आपको बहुत सारा ब्लोटवेयर और जंक ऐप प्री इंस्टॉल मिलता है जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे फेवरेट कस्टम यूआई का तो सैमसंग का वन यूआई जो है वो मेरा फेवरेट कस्टम यूआई है, उसका एक्सपीरियंस हमको जो है ना सबसे अच्छा लगता है। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेटअप प्रोसेस का तो सैमसंग के वन यूआई वाले फ़ोन का जो सेटअप प्रोसेस होता है स्पेशली बजट फोन का जो सेटअप प्रोसेस होता है ना वो हमको वर्स्ट एक्सपीरियंस देता है। और वो चीज़ अगर आप वीडियो पूरा देखें ना तो आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारा यूजलेस परमिशंस, बहुत सारा सैमसंग एक्सपीरियंस सर्विसेज का टॉगल स्विचेस जो है ना वो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। सेटअप के समय जो है ना प्रॉपरली आपको उसको डिसेबल कर करके सेटअप करना पड़ता है ताकि आपको एड फ्री एक्सपीरियंस मिले। पूरा सेटअप करने के बाद भी एक सैमसंग डिस्कवर सर्विसेज का कंप्लीट सेटअप करना पड़ता है प्रॉपरली ताकि फालतू का एप्स जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आपको आपके फोन में देखने के लिए ना मिले। इसके अलावा सैमसंग का कुछ एक्सपीरियंस सर्विसेज रहता है जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और वो हिडन रहता है, तो उसको किस तरीके से आपको डिसेबल करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इस फोन का जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। बट आज के डेट में ऑलमोस्ट इस फोन के प्राइस पॉइंट पे जितने भी ब्रांड का फोन आता है या इससे कम प्राइस पॉइंट पे भी जितना फोन आता है ना सभी में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, बट सैमसंग आज भी जो है ना ये ड्यू ड्रॉप शेप नॉच कैरी कर रहा है जो कि फोन को बहुत ही आउटडेटेड फील कराता है। सो फ्रेंड्स यही था मेरा सैमसंग M15 5G का इनिशियल इंप्रेशन। इस फोन का एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो हम जल्द ही अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहां से आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।